वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन हमने करा दिया था और एल्काइलेशन की अब यहाँ पे लिमिटेशंस पढ़नी है, कब फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन पॉसिबल नहीं होता। देखिए सबसे पहले अगर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर आपको डिटेल में समझना है तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाएगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप सपोज करो जैसे कि OH है, क्लियर है, NH2 है, O नेगेटिव है, तो इस टाइप के अगर ग्रुप आपका बेंजीन लिंक से लगे हैं और आप इससे चाहते हो कि फ्रिडलक्राफ्ट ये प्रोडक्ट दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अगर ये रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 से कराई तो आपको पता है इन दोनों की रिएक्शन कराने के बाद आपको जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो CH3 पॉजिटिव होगा। क्लियर, आप जानते हैं OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है ये ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपके दिमाग में आता है कि ये रिएक्शन फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो सकती है। कैसे, यहां पर ये OH हो जाएगा और आप कहेंगे कि ये CH3 प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया और आप कहेंगे दूसरा प्रोडक्ट होगा ये पैरा। क्लियर है, लेकिन ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो फिनोल है, फिनोल पर यहाँ पे है लोन पेयर और जो लोन पेयर है वो एक लुइस बेस का काम करेगा यहाँ पर। क्लियर है, और ये AlCl3 है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कितना होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2A3। क्लियर, तो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन थे और इन तीनों ने टोटल क्लोरीन से मिला के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है 2 इलेक्ट्रॉन की। जब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो इसको क्या बोलेंगे, लुइस बेस। क्लियर, तो ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले ये एसिड और बेस की रिएक्शन आपकी हो जाएगी। ये आपका काम करेगा एज ए बेस और ये आपका काम करेगा एज ए एसिड, तो ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट ना बनके, क्लियर है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो लुइस और एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा और यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो देखिए आप इस तरीके से बनेगा। ये OH मैंने ले लिया, यहां पर ये AlCl3 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा लुइस एसिड के साथ। यहां पर आपको पता है इसके साथ जब ये बॉन्डिंग होगी तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड लगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। इसको समझने के लिए देखिए, ऑक्सीजन जब एल्यूमिनियम से कंबाइन हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे 3 आपके बॉन्ड लग जाएंगे, एक बेंजीन, एक हाइड्रोजन, एक एल्यूमिनियम, तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड 1, 2 एंड 3। तो यहां पे इसी वजह से हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड बना दिए, इस वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर हमने क्या चार्ज लगाया, नेगेटिव। ये मैंने पहले भी समझा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम को 4th बॉन्ड बनाना है तो उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने का जो साइन है वो हम क्या शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज। इससे वो बॉन्डिंग बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, जो यहाँ पर हाइड्रोजन और नीचे क्या है बेंजीन, इस तरीके से लगाया है। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड लगाता है तो पॉजिटिव चार्ज, ये कॉम्प्लेक्स होगा और ये होगा सॉल्ट। क्लियर है, तो ये लिमिटेशंस है इस रिएक्शन की, कि जब भी आप कोशिश करोगे एल्काइलेशन कराने की और रिएजेंट आपने CH3Cl लिया, AlCl3 लिया, तो आप सोचोगे कि प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए, CH3 पॉजिटिव, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से याद रखना, कभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो उस एक्टिवेटिंग ग्रुप के साथ आप कभी भी एल्काइलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लुइस एसिड लेना होता है और OH ग्रुप लुइस बेस होगा, इन दोनों की रिएक्शन, ये इसका राइट प्रोडक्ट है। क्लियर है, तो यहां पर इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और ये इसका देखना, ये इसका एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये इसके एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर है, तो ये हमारी पहली लिमिटेशन है कि फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते टाइम हम कभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप की हेल्प नहीं लेंगे, OH, NH2 एंड O नेगेटिव, इनको अवॉइड करते हैं। क्लियर, थैंक यू।